दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि इग्नू की बताते हो कि असाइम में रिजेक्ट होने के कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इन बातों को जान लिया जाता है कि ऐसे कौन कौन सी वजह बनती है जिन वजह से हमारे पास असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, और उन गलतियों को अगर आप रिपीट नहीं करते हैं तो आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वजह है जिस वजह से इग्नू वाले हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा और मैं यहाँ पर देखा आपको बताने वाला हूँ असाइनमेंट रिजेक्ट होने के कौन से यहाँ पे कारण है। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको असाइनमेंट समय पर कई सारे जरूरी वीडियो आपको मिलते रहे, कई सारे जरूरी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन सी वजह है जिस वजह से आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ सबसे जो अहम जो वजह आती है, जो सबसे ज़्यादा वजह आ रही है, वो वजह आ रही है हमारा पर डिफरेंट हैंडराइटिंग। जो दोस्तों यहाँ पर जो अपना असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं तो होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि उसमें कभी कोई लिख रहा है कभी कोई लिख रहा है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, जिसमें क्या होता है कि एक ही असाइनमेंट में क्या होता है कुछ अलग अलग राइटिंग देखने मिल जाती है, जिस विषय क्या है कि इग्नू वाले हमारे क्या कर रहे हैं असाइनमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह बनती है हमारा पर डिफरेंट हैंडराइटिंग कि एक असाइनमेंट में एक ही हैंडराइटिंग होनी चाहिए, अगर अलग अलग हैंडराइटिंग होती है तो इग्नू वाले क्या कर रहे हैं उस असाइनमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह बन जा रही है हमारा पर डिफरेंट हैंडराइटिंग। इसके अलावा देखा जाए दूसरी जो अहम वजह बनती है वो हमारे बनती है सबमिटेड ऑल असाइनमेंट इन वन PDF फाइल के। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होता है, एक असाइनमेंट को लेकर आपको एक सिंगल PDF फाइल बनानी होती है। अगर आप सारे के सारे असाइनमेंट को लेकर अगर एक PDF फाइल बना देंगे तो वो हमारे क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि अपना तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आपको अलग अलग असाइनमेंट को लेकर अलग अलग आपको जो है अपना PDF फाइल वगैरह बनानी होती है। सारे असाइनमेंट आप एक PDF फाइल में नहीं कर सकते। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि हमारा पर जो है एक ही सिंगल PDF फाइल में अगर आप अलग अलग तरह के सारे जितने भी असाइनमेंट आपको जोड़ देते हैं तो ऐसे में आपका जो है अपना असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या होता है कि अपना अलग अलग असाइनमेंट के लिए आपको सिंगल ही PDF फाइल वगैरह बनानी पड़ती है और उनको बारी बारी आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा पर देखा जाए तीसरा जो अहम वजह बनती है जो हमारा पास असाइनमेंट रिजेक्ट होने की वजह बनती है वो बनती है हमारा फाइल साइज। जी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है असाइनमेंट को लेकर प्रोजेक्ट को लेकर या हमारा जो भी बनता है उसको लेकर एक अलग यहाँ पर हमारा यहाँ पर साइज बनाया गया है। तो नॉर्मली हमारा पे क्या होता है कि असाइनमेंट सबमिशन को लेकर हमारा पर 10 MB का साइज बनाया गया है, बाकी हमारा पर जैसे प्रोजेक्ट है या हमारा पर और तरह के जो भी बनते हैं अपलोड वगैरह तो 25 MB 10 MB 100 MB हमारा पर होता है अलग अलग। तो आपको करना क्या होता है कि सबमिट करने से पहले आपको देखना होता है कि साइज कितना मांगा गया है। अगर आप उससे ओवर साइज अपना अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा पर रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए पर हमारा पर बनता है नंबर चार वजह बनती है वो बनती है यहाँ पर टाइप असाइनमेंट के। दोस्तों यहाँ पर टाइप्ड असाइनमेंट हमारे पे एक वजह बनती है जिस वजह से आपका असाइनमेंट का उधर रिजेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इग्नू वाले क्या कहते हैं कि वो चाहिए उनको अपना हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट चाहिए, उन्हें अपना टाइप असाइनमेंट नहीं चाहिए। तो ऐसे में अगर आप जो टाइप असाइनमेंट अपना अपलोड कर देते हैं तो ऐसे में इग्नू वाले क्या करते हैं वो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको चाहिए अपना हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए जो कि हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट हो। इसके अलावा देखा जाए पर एक और पाँचवीं खास वजह बनती है क्वेश्चन पेपर अटैचमेंट ना होने पर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों जब अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के साथ साथ आपको क्या करना होता है कि उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अटैच करना होता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर अटैच नहीं करते तो ऐसे में भी देखा जाए आपका जो असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए एक और यहाँ पे खास वजह बनती है, वो खास वजह बनती है हमारा पर पूरी डिटेल ना होने पर, मतलब यहाँ पे आपको जो डिटेल वाला पेज बनाना पड़ता है यहाँ पर आपको शुरू में, जिसमें क्या है कुछ खास डिटेल वगैरह होनी चाहिए। कुछ खास डिटेल वगैरह क्या बनती है जैसे कि आपको बनता है यहाँ पर नेम ऑफ द लर्नर यानी कि स्टूडेंट नेम, एनरोल नंबर बनता है, रीजन सेंटर कोड बनता है, स्टडी सेंटर कोड बनता है, प्रोग्राम कोड बनता है, कोर्स कोड ऑफ अटैचमेंट असाइनमेंट आपको ये लिखना होता है कि आपको कौन सा कोर्स है आपको लिखना होता है। इसके साथ ही आपका देखा जाए मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, साथ में आपको होना चाहिए यहाँ पर ईमेल आईडी। तो ये कुछ खास डिटेल आपकी यहाँ पर असाइनमेंट के एक डिटेल वाले पेज में होनी चाहिए। अगर इनमें से कहते हैं कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे में आपका असाइनमेंट हो सकता है रिजेक्ट। इसके अलावा देखा जाए पे हमारा यहाँ पर एक और खास वजह बनती है जो कि सातवीं खास वजह बनती है पुअर क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट। यहाँ पर जो देखा जाए कि यहाँ पर देखा जाए अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं PDF फाइल बना लिया लेकिन क्या है इसके अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, कि यहाँ पे हमारा जो चेकर है वो उसको पढ़ नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा लिखा क्या है। तो ऐसे में देखा जाए पुअर क्वालिटी होने पर भी देखा जाए आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो चेकर है वो अपना पढ़ ही नहीं पा रहा कि लिखा क्या है। तो ऐसे में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए हमारे पर एक और खास वजह बनती है, हमारी आठवीं खास वजह बनती है, वो आठवीं खास वजह बनती है हमारे यहाँ पर ईच पेज ऑफ योर असाइनमेंट मस्ट कैरी योर सिग्नेचर और नेम एंड द एनरोलमेंट नंबर। कि यहाँ पे आपका जो भी हैंड रिटन असाइनमेंट है तो असाइनमेंट के हर पेज के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए या फिर आपका जो है नाम और एनरोल नंबर होना चाहिए।
तो अपना जो है सिग्नेचर जरूर करिए और अपना जो एंड्रॉइड नंबर है, नाम है, या फिर होता है क्या है कि अपना अलग अलग जो रीजनल सेंटर होते हैं तो अलग अलग रीजनल सेंटर के हिसाब से कि वो अपना अलग अलग डिटेल वगैरह मांगते हैं। तो कई सारे गलते हैं कि जो है रीजनल सेंटर पर अपना नेम और एंड्रॉइड नंबर, प्रोग्राम, स्टडी कोड, इन चीज़ों के लिए कि काम चल जाता है, तो कई जगह पर हमारा सिग्नेचर भी मांगते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर हमारा पर जो रीजनल सेंटर होते हैं उनकी अलग यहाँ पर हमारा पर डिमांड हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए आपको जितने भी है आपका हैंड रिटन असाइनमेंट, तो आपको हर हैंड रिटन असाइनमेंट के पेज के ऊपर अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना जो कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड आपको लिखना है, साथ में हो सके तो आप सिग्नेचर जरूर करिए। तो इन चीज़ों को अगर लेके चलेगी तो आपका असाइनमेंट रिजल्ट वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए मैं आपको दूसरा यहाँ पे खास वजह बताना चाहता हूँ, वो खास वजह बनती है हमारा आप फाइल का रीनेम। या दोस्तों जब आप अपना पी डी एफ फाइल बना लेते हैं तो पी डी एफ फाइल का आपको करना क्या होता है, रीनेम ही करना होता है। दोस्तों यहाँ पर जब अपने पी डी एफ फाइल बना लिया है उसको 10 MB से भी आपने कम कर लिया है, जो भी MB बनता है उसको कम कर लिया है, और ऐसे में देखा जाए आपको करना क्या होता है, उस फाइल का रीनेम भी करना होता है। फाइल का रीनेम करने का भी तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे हमारा पर जितने भी रीजनल सेंटर होते हैं तो हर रीजनल सेंटर का अपना एक अलग अलग तरीका है। जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पर मैं जो दिल्ली रीजनल सेंटर 1 की बात करूँ, तो दिल्ली रीजनल सेंटर 1 में यहाँ पर हमारा पर कहा गया है कि यहाँ पर आपको जो फाइल का जो नाम रखना है, पी डी एफ फाइल का नाम रखना है, उसकी शुरुआत में आपको होना चाहिए आपका एंड्रॉइड नंबर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे उसके साथ में होना चाहिए लास्ट में आपका जो है कोर्स कोड। तो जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज़ अगर आपका यहाँ पर एंड्रॉइड नंबर यहाँ पे हमारा पर 2001218290 है, ये आपका एंड्रॉइड नंबर, और जो आपका जो सब्जेक्ट बनता है, जो कोर्स बनता है जिसका अपना आपने असाइनमेंट बनाया है, वो सपोज़ के लिए अगर आपका यहाँ पर जो उसका सब्जेक्ट है वो कोर्स बनता है यहाँ पर मैं मान चलो जैसे MSO1, तो MSO1 है यहाँ पर हमारा पर, तो ऐसे में दोनों को कंबाइन करके आपका जो फाइल का जो रीनेम होता है वो हमारा बनता है यहाँ पर 2001218290MSO1। तो यहाँ पर इस हिसाब से कहते हैं कि आपको फाइल का रीनेम करना होता है अपलोड करने से पहले, तो अपलोड करने से पहले ही आप जो है फाइल का रीनेम करके रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैंने आपको यहाँ पर उन सभी वजहों के बारे में बताया, उन सभी खास वजहों के बारे में बताया कि जिन वजह से हमारा पर क्या होता है असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। इसके अलावा देखा जाए और भी कुछ नई वजह बन सकती है, कुछ नई कंडीशन आ सकती है, लेकिन ये खास वजह बनती है जिस वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्या, इन बातों को आपने समझ लिया है, अब इन बातों से सीखते हुए आपको ये गलतियाँ नहीं करनी, आपको क्या करना है वो समझदारी से काम लेते हुए अपना असाइनमेंट बनाना है, तैयार करना है और उसे सही तरीके से अपना अपलोड करना है। तो अपलोड करने को लेके फाइल साइज का जो साइज होता है उसको कम करने को लेके और अपलोड कैसे करें उसका प्रोसेस को लेके और अपना मोबाइल से ही आप अपना असाइनमेंट वगैरह कैसे बनाएं उस चीज़ को लेके मैं ऑलरेडी देखा जाए वीडियो अपना अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपना उन वीडियो को देख सकते हैं कि आप भी मोबाइल से ही अपना जो हैंड रिटन असाइनमेंट की जो पी डी एफ फाइल वगैरह कैसे बनाएं, उसका साइज कैसे कम करें, उसे कैसे अपना ऑनलाइन आपको अपलोड करना है, तो उसको लेके आपको वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाएगी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हेल्प हो सके और साथ में दोस्तों जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।